स्वागत है आप सभी का कलरफुल स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली तीन होते हैं, हमारा एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और एक्सोर ऑपरेटर। जिसने मैथ्स बेसिक पढ़ा हो इलेक्ट्रिकल का या इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसे ये चीज़ें पता होगी कि जो हमारा एंड गेट है, जो हमारा और गेट है, और जो हमारा एक्सोर गेट है, वो कैसे वर्क करता है। तो उसी तरीके से जो कंडीशंस है उनको सेटिस्फाई करने के लिए हम सी लैंग्वेज में उसका सिंबल कुछ अलग तरीके से यूज़ करते हैं, ताकि हम जैसे जैसे इनपुट दें तो जो हमारा आउटपुट है वो लॉजिकल डिसीजन के फॉर्म में आउटपुट हमें मिल सके। तो सबसे पहले आता है हमारा लॉजिकल एंड गेट। जो लॉजिकल एंड गेट होता है, उस गेट में एंड मतलब कि डॉट, आप याद रखो एंड, एंड का मतलब होता है डॉट। तो जो डॉट होता है वो होता है कि जब दोनों इनपुट्स हमारे ए और बी के जो दोनों इनपुट है वो हाई होंगे, तो हमारा जो है वो लॉजिकल एंड गेट वर्क करेगा। इट वर्क व्हेन बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू। अब ऑपरेंड्स मतलब ए और बी, आप इससे कह सकते हो ये हमारे ऑपरेंड्स होते हैं जिस पे कि हमारा ऑपरेटर वर्क परफॉर्म करता है। ए और बी की वैल्यू हम जनरली प्रोग्राम में या तो असाइन करते हैं, या फिर उसकी वैल्यू जो है वो हम आउटपुट में लेने के लिए कुछ भी वैल्यू उसकी दे सकते हैं। तो अगर हम 1 1 दोनों की वैल्यू एंटर करें, मतलब दोनों अगर हाई है, तो हमारा जो आउटपुट है वो भी हमारा 1 होगा, मतलब कि हाई होगा। और अगर एक भी वैल्यू 0 है, मतलब 1.0 या 0.1, तो जो हमारा आउटपुट आएगा, जैसे हम जानते हैं कि 1 में 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी 0 आता है, और 0 में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी हमारा 0 आता है, और 0 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 0 आएगा। तो इसी तरीके से जो हमारा एंड गेट है वो कब वर्क करेगा, जब हमारे दोनों ऑपरेंड्स की जो वैल्यू है वो हाई रहेगी। हाई का मतलब 1 होता है और लो का मतलब होता है 0, ठीक है। अब लॉजिकल और गेट, देखो एंड गेट में मल्टीप्लाई होता है, तो एंड मतलब डॉट, डॉट से आप याद रख सकते हो मल्टीप्लाई। अब और गेट मतलब डॉट में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो और में याद रखो कि एडिशन होगा। और का सिंबल ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है हमारे ऑर्स को, और गेट को। अब जब हमारा वर्क करता है ये, जबकि हमारा एक इनपुट भी हाई होगा, मतलब कि ये ज़रूरी नहीं कि हमारे दोनों ऑपरेंड्स को हाई होना है, तो ये जो है ऑपरेटर, ये लॉजिकल ऑपरेटर जो है हमारा वर्क करेगा जब एक भी इनपुट हमारा हाई होगा। जैसे कि अगर हम ए और बी की वैल्यू लें, ए प्लस बी होगा इसमें, तो 1 + 0 भी 1 होता है, 0 + 1 भी 1 होता है, और 1 + 1 जो है वो हमारा 0 होता है। 0 कैसे होता है, ये जिसने भी बेसिक्स पढ़े होंगे उसे ये जो एडिशन है परफॉर्म करते आता होगा बाइनरी नंबर्स का, ठीक है। अब उसके बाद में आता है हमारा लॉजिकल एक्सोर गेट। तो जो लॉजिकल एक्सोर गेट होता है, जब एक ऑपरेंड हमारा ट्रू होगा, तो लॉजिकल एक्सोर गेट है, तो उसका जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि वो आउटपुट रहता है ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, कुछ इस तरीके से हमारा जो आउटपुट होता है एक्सोर गेट का वो होता है। जिसने एक्सोर गेट पढ़ा होगा उसे पता होगा, या फिर नहीं भी पढ़ा तो आप एक बार जाकर पहले बेसिक्स ऑफ गेट समझिए, ताकि आपको ये समझने में आसानी जाए। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे हमारे वर्क करते हैं। तो ये हमारे तीन ऑपरेटर होते हैं जो कि हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। तो आई होप कि अब आपको ये लॉजिकल ऑपरेटर्स क्लियर होंगे। अब हम बात करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर की। बिटवाइज ऑपरेटर बेसिकली बहुत कम यूज़ होता है, मतलब आम तौर पे इसका यूज़ नहीं होता, कुछ स्पेशल फीचर्स में इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन जो हमारा बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं वो बहुत ही सिमिलर होते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स के। लॉजिकल ऑपरेटर्स तो अभी आपने देखे। जो हमारा बिटवाइज एंड होता है उसको हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो हमारा लॉजिकल एंड होता है उसके लिए हम लोग डबल लगाते हैं। मतलब लॉजिकल एंड ये सिंबल होता है, लेकिन बिटवाइज एंड के लिए इस सिंबल का यूज़ करते हैं। तो आप सिर्फ डिफरेंस याद रखो, और ज़्यादा आपको जो यूज़ है वो लॉजिकल सिंबल्स का ही पड़ता है, अगर आप कुछ गेट वेट का या कोई और अदर फंक्शंस को परफॉर्म करना चाहो तो। जैसे कि बिटवाइज और में सिंपल हमारा ये सिंबल होता है, उसी तरीके से बिटवाइज जो लॉजिकल और होता है उसमें हमारा सिंबल ये होता है।
उसी तरीके से बिटवाइज एग्जॉर में हमारा ये सिंगल होता है, लेकिन ये जो लॉजिकल एग्जॉर का सिंबल इस तरीके से होता है। अब ये जो होते हैं हमारे, ये होते हैं शिफ्ट ऑपरेंड्स, मतलब कि हम इस ऑपरेंड का यूज़ करेंगे कब, जबकि हमको शिफ्ट करना होगा लेफ्ट साइड के ऑपरेंड्स को लेफ्ट में, और कितना शिफ्ट करना है हमको, जो कि हमको डिटरमाइन करेगा राइट हैंड साइड का ऑपरेंड। मतलब जो राइट हैंड साइड का ऑपरेंड जितनी नंबर ऑफ बिट्स से हमको बोलेगा कि इसको शिफ्ट करना है, तो उतने ही नंबर से हम लोग जो है इसे शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड में। और सिमिलरली इस ऑपरेंड का यूज़ करते हम लोग कि शिफ्ट करेंगे हम लोग राइट साइड के ऑपरेंड को राइट में, मतलब राइट साइड के ऑपरेंड को हम लोग राइट में शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन उसका जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो कौन दे रहा है, हमारा लेफ्ट हैंड ऑपरेंड। मतलब देखो, ए हमारा राइट लेफ्ट हैंड ऑपरेंड हो गया और बी हमारा राइट हैंड ऑपरेंड हो गया। अब हमको बी को शिफ्ट करना है क्योंकि ये हमारा राइट हैंड का ऑपरेंड है, तो इसको हमको राइट में शिफ्ट करना है, लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस देगा वो हमारा लेफ्ट हैंड ऑपरेंड देगा। तो ये था हमारा बिटवाइज ऑपरेटर। आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया हो और क्लियर होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।